In this example, we are having some if-else expressions. As we are discussing during if conditions, if के केस में एक्सप्रेशन किया था, अगर आपने if or else दोनों ही स्टेटमेंट प्रोवाइड किए, then if or else always कैसे होना चाहिए, कंटिन्यूस फॉर्म, और else ब्लॉक मस्ट फॉलो बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट. अगर आपने इफ के केसेस में कर्ली ब्रेसेस प्रोवाइड नहीं किया, देन बाय डिफॉल्ट इसका बॉडी किससे टर्मिनेट होगा, बॉडी इज टर्मिनेटेड बाय फर्स्ट सेमी कॉलन. इस केस में बॉडी ऑलरेडी फर्स्ट सेमी कॉलन से टर्मिनेट है, इसको कंसीडर करेंगे लॉजिकली इट इज इक्वलेंट टू लाइक अ बिगिनिंग ऑफ द बॉडी ऑफ इफ. बॉडी जस्ट स्टार्ट हो जाए फ्रॉम हेडर पार्ट ऑनवर्ड्स, देन बॉडी इस केस में क्लोज किससे हो रहा है, आफ्टर फर्स्ट सेमी कॉलन. मीन्स इस केस में इफ के अंदर ओनली कितने स्टेटमेंट्स प्रोवाइड हुए, ओनली सिंगल स्टेटमेंट. इस वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड ना ही इफ के साथ एसोसिएट है ना ही एल्स ब्लॉक के साथ एसोसिएट है. मीन्स इसके जस्ट बाद प्रोवाइड क्या किया, एल्स ब्लॉक. एल्स ब्लॉक के रिस्पेक्ट में करेंटली कोई करेस्पॉन्डिंग इफ स्टेटमेंट फाउंड नहीं हो रहा है, और ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था एल्स और इफ के बीच में बॉडी पार्ट के बीच में कोई भी अदर एग्जीक्यूटिव या डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं. एल्स ब्लॉक कैसे होना चाहिए, एल्स ब्लॉक मस्ट फॉलो बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट. देयरफॉर कंपाइल टाइम एरर इन दैट केस, कंपाइलर विल रेज कंपाइल टाइम एरर मैसेज कॉल्ड मिसप्लेस्ड एल्स, मिसप्लेस्ड एल्स ब्लॉक लाइक.